हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भोले शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत बहुत ही उत्तम होता है। अगर इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के संग किया जाए तो भोले शंकर उस व्यक्ति के सभी कष्टों को दूर करते हैं और इसके साथ ही साथ इस व्रत के प्रभाव से उस व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान करने के बराबर होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सारे दोषों और सारे पापों का शमन होता है। 2023 माघशीष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत पूर्ण हो चुका है और अब माघशीष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत आने वाला है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघशीष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, उसका समापन कब हो रहा है, इस दिन किन किन शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, और प्रदोष व्रत की प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त क्या है और संध्याकालीन पूजा का मुहूर्त क्या है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है, तो माघशीष मास के शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 24 दिसंबर दिन रविवार की सुबह में 6:24 पे हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 25 दिसंबर दिन सोमवार की सुबह में 5:45 पे हो रहा है। प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि सूर्यास्त के समय पे अर्थात प्रदोष काल में व्याप्त होती है। तो 24 दिसंबर को पूरे दिन और पूरी रात्रि में हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, तो इसलिए प्रदोष का व्रत 24 दिसंबर दिन रविवार को ही रखा जाएगा। और यह व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 24 दिसंबर का प्रदोष व्रत साध योग में संपन्न हो रहा है और साध योग सभी शुभ कर्मों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, और इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। रवि योग रात्रि में 9:19 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन सुबह में 6:41 में समाप्त हो रहा है। 24 दिसंबर जिस दिन प्रदोष का व्रत रखा जा रहा है, इस दिन भगवान शिव का वास नंदी पे है, और जब भगवान शिव का वास नंदी पे होता है तो उस दिन भगवान शिव का पूजन करने से, उनका अभिषेक करने से बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और जो भी व्यक्ति उनका अभिषेक, उनका पूजन करता है, उसे बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त सुबह में 8 से प्रारंभ होकर सुबह में 10:38 तक है, और इस दिन संध्याकालीन अर्थात प्रदोषकालीन पूजा का मुहूर्त शाम में 5:14 से लेकर शाम में 7:56 तक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 16 दिसंबर से खर मास प्रारंभ हो चुका है और खर मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व होता है। 24 दिसंबर का जो प्रदोष का व्रत है, यह रविवार के दिन पड़ जाने से इस प्रदोष का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। तो अगर इस दिन भगवान शिव की उपासना के संग संग प्रातःकाल में अगर भगवान शिव की उपासना भी करें और भगवान सूर्य की उपासना भी अगर हम करते हैं, तो हमें बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सूर्य की उपासना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। और हमारे इष्ट कोई भी हो, भगवान शिव हो, श्रीहरि हो, या हम शक्ति के उपासक हैं, हर व्यक्ति के लिए सूर्य की उपासना अनिवार्य होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अगर प्रदोष व्रत के दिन अगर हम सुबह के समय में सूर्य को अगर हम मीठा जल अर्पित करें, अर्थात उस जल में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा अक्षत अगर हम डाल दें, तो भगवान सूर्य की विशेष कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ में हमारा मंगल ग्रह भी मजबूत होगा। रवि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, और हमारे शरीर में जो रोग, जो व्याधियाँ होती हैं, वो दूर होते हैं। तो आप सभी लोग रवि प्रदोष व्रत को बहुत ही अच्छे से संपूर्ण कीजिए और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के संग संग सूर्य नारायण की कृपा भी प्राप्त कीजिए। प्रदोष से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछें, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।